जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में मोटा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी मुशक्कत और भीड़ में घंटों खड़े होकर पूरी श्रद्धा के साथ जल चढ़ाया। जी हां, आपको बता दी, जहां एक तरफ श्रद्धालु की भीड़ नजर आई तो वहीं नजीबाबाद के कोतवाल श्री सत्य प्रकाश ने भी नजीबाबाद के मोटा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर जल चढ़ाया। श्रद्धालु से बात करने पर पता चला कि दो दो घंटे इंतजार करने के बाद श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाया। श्रद्धालुओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आया। जहां एक तरफ जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से जल लेकर आए तो वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए नजीबाबाद से मोहम्मद अरहान की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोहम्मद अरहान यूपी उत्तराखंड न्यूज चैनल से और मैं इस वक्त हूँ जनपद बिजनौर के नजीबाबाद मोटा महादेव पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर आज जैसे महाशिवरात्रि है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का एक तांता लगा हुआ है। यहाँ पर जल चलाने वालों का एक तांता लगा हुआ है। इतनी भीड़ है यहाँ पर कि मैं कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं से बात करना शुरू करूंगा। श्रद्धालुओं से आइए पता करते हैं यहाँ पर कि वो किस वक्त हरिद्वार से चले थे। आइए बात करते हैं एक श्रद्धालु से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पदम सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर के रहने वाले। हरिद्वार के लिए कब निकले थे आप? हरिद्वार से यहाँ के लिए कब निकले? 9 बजे। तो ऐसे महाशिवरात्रि पे आप कितने, मतलब यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको इंतजार करते हुए जल चढ़ाने के लिए? आप इस समय लंबे चढ़ाना था महाशिवरात्रि के इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे आप? पर्व है कर रहे थे श्रद्धालु से और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए यूपी उत्तराखंड न्यूज चैनल, कैमरामैन सैफ अली के साथ।